जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट इशू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो कमीशन कैंडिडेट को देता है कि उनको वो फॉलो करने हैं एग्ज़ाम के दौरान। होता यह है कि जनरली कैंडिडेट्स इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, उनको बहुत ही लगता है कॉमन सी बातें हैं और वो इनको नहीं पढ़ते हैं। खास तौर से वो जो कैंडिडेट्स जो मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम अपीयर कर चुके हैं वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको एक बार गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है और आपको उनको कैसे फॉलो करना है, जिससे किसी तरह की प्रॉब्लम आपके प्रोसेस में ना हो और आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। इसमें डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि आप पहले प्रीलिम्स को फेस करेंगे तो पहले हम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए है। जो कन्वेंशनल टाइप्स के लिए है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आज सिर्फ फोकस करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। पहले तो वो पॉइंट सुने कि वो आर्टिकल्स जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ला सकते हो, तो उसमें क्या क्या है। क्लिप बोर्ड ला सकते हो, हार्ड बोर्ड ला सकते हो, जैसे आप बचपन में भी एग्जाम के लिए ले जाते होगे। एक गुड क्वालिटी ब्लैक बॉल पेन आपको लाना है, याद रखें, क्योंकि आपके जो भी ओएमआर शीट में आपको एंट्री करनी है, ओएमआर शीट में बबल्स फिल करने हैं, वो सब ब्लैक बॉल पेन से ही होगा, किसी और पेन से नहीं होगा, किसी और कलर के पेन से नहीं होगा, तो वो आपको कैरी करना है। उसके बाद वो आइटम्स जो आपको नहीं लाने हैं, जो परमिटेड नहीं है, इस पर भाई ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा कोई काम ना करें जो आप लेके, जिसके लिए आपको कमीशन मना कर रहा है और आप वो लेके पहुँच जाएँ तो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। उसमें क्या क्या आएंगे, आपके नोट्स, आपकी किताबें, लूज शीट्स जिसमें कि चांसेस हो सकते हैं कि आप कुछ लिख के ले आएँ, और कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, मैथमेटिकल एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लॉग टेबल्स, स्टेंसिल्स, मैप की टेस्ट बुकलेट्स, रफ शीट्स पर्टेनिंग टू अर्लियर सेशंस, ये सब आप लेके नहीं आ सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन्स के लिए तो खास हिदायत है कि मोबाइल फ़ोन आप ऑन कंडीशन में नहीं रख सकते हैं, ऑफ़ कंडीशन में भी नहीं रख सकते हैं अपने पास में, और बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिससे कि, जैसे कि कैमरा है, स्मार्ट वॉचेस हैं या ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, ये कुछ भी आप हॉल के अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करें, आप ऐसा कोई भी सामान लेके ना जाएं जो कि इस लिस्ट में लिखा है, क्योंकि अगर ये सामान अगर आप कैरी करते हुए पाए गए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या इस तरह की जो भी डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, उनको ऑफ करके अपने बैग में रख के रूम के बाहर उसको रख दें, या कहीं पे पहले से जमा करके आए, ये चीज़ अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, आप जानते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, 1/3 नेगेटिव मार्क कट जाते हैं अगर आप गलत आंसर देते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपको अच्छे से आता है सिर्फ उसी को आप अटेम्प्ट करें, उसी को फिल करें। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखें, तुक्के कम से कम मारें, थोड़ी बहुत ज़रूरत तो पड़ती है तुक्के मारने की, तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर लें कि कितने मार सकते हैं, ज़्यादा मत मारें क्योंकि वो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी आंसर के करस्पॉन्डिंग ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आप जानते हो, जब आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा, ना आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे ना ही निगेटिव मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अनफेयर मीन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो अनफेयर मीन्स आप समझते हो भाई, किसी कैंडिडेट से आप कुछ कॉपी ना कर रहे हो, किसी को कॉपी ना और किसी को कॉपी करवा भी ना रहे हो, इस तरह के किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व ना रहे। कंडक्ट इन एग्जामिनेशन और कंडक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, किसी तरह का कोई मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर अपॉइंटेड है, अगर वो किसी तरह से मिसबिहेवियर में आपको इंडल्ज पाते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है। उसके बाद जो आंसर शीट के पर्टिकुलर्स हैं, इसको ध्यान से समझ लें कि आपकी जो आंसर शीट है, एक तो उसमें जो भी एंट्रीज़ हैं वो आपको ब्लैक बॉल पेन से भरनी है, और जो एंट्रीज़ हैं उसमें आपको सेंटर का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टेस्ट बुकलेट का सीरीज़ नंबर, यानी जो आपकी टेस्ट बुकलेट मिलेगी वो ABCD उसमें बुकलेट के नंबर होंगे, तो आपको जो भी मिलेगा ABCD में से वो आपको एंट्री करनी है। और उसके बाद फिर आपको अपने जो बबल्स फिल करने हैं राइट आंसर के अगेंस्ट में, वो भी ब्लैक बॉल पेन से ही आपको करना है। अच्छा, इसमें ये भी याद रखें कि अगर आपके क्वेश्चन के अगेंस्ट में एक ही आंसर सही है तो आपको एक ही बबल भरना है, आप गलती से अगर दो बबल भर देंगे तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो मार्क्स आपको मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा।
कभी कभी ये गलती से हो जाता है, वो पैरालाइज इफेक्ट होता है और आप देख नहीं पाते हैं कि आपने ऑलरेडी एक भरा हुआ है और आप दूसरा भी भर देते हैं उसके अगेंस्ट में। आप भरना चाहते हैं नीचे वाले के अगेंस्ट में, बट वो ऊपर वाले में भर जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ब्लैक बॉल पेन से आप भरेंगे तो उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने भर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि इसको इन्होंने पूरा एक प्रोटोटाइप के साथ आपको समझाया है कि ये एंट्रीज आपको करनी है। सेंटर का नाम डालना है, सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट कोड डालने हैं, यहाँ पे रोल नंबर डालना है। ठीक है ना, तो जिस तरह से यहाँ पे है यही आप डालें, इसमें कोई गलती ना करें। गलती कर देंगे तो बुकलेट ख़राब हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम नलीफाई हो जाएगा। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रेंड्स, इनको अच्छे से फॉलो करें। और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शंस आप जो एंट्री कर रहे हैं या जो काम करने जा रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो जो इन्विजिलेटर वहाँ पे अपॉइंटेड है आप उनको पकड़िए, ये उनका काम है आपको बताना। तो कहीं पे भी डाउट है, दुविधा है, शंका है, आप उनसे बात कर लें और क्लियर कर लें, लेकिन गलती ना करें दोस्तों। तो ये रहा स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।